जो है कुछ इस फॉर्म में, ये डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है। अगर हम इसको बोले तो ये बेसिक तौर पे सुगर फॉस्फेट का बैंड बैकबोन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे सुगर और फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट के बैंड को बैकबोन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मेंशन है, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन की जा रही है कि सुगर फॉस्फेट का बैकबोन जो है कुछ इस फॉर्म में मेंशन है। इसके बाद जो कहानी आ जा रही है फिर उसको अगर हम समझे तो जरा देखें, यह है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये है क्यू आर्म जो कि लॉन्ग आर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये है पी आर जो कि शॉर्ट आर्म है रिप्रेजेंटेड, ये है फाइबर। और फाइबर से पहले अगर मेंशन करें तो एक स्कैफोल्ड आता है, और यह है सोलिनॉइड मॉडल, और यह है न्यूक्लियोसोम का जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ये है हिस्टोन्स, ये है डीएनए, और कुछ इस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर पूरे केस को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे चीजें चल रही है। तो सेंट्रोमियर देखेंगे तो एक क्रोमोजोम से दूसरे फॉर्म में जो है मेंशन किया जा रहा है। सेंट्रोमियर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है अटैच होते हैं, तो वो पॉइंट जो है कहलाता है सेंट्रोमियर। अभी मैं इसमें काइनेटो कोर्स और कई सारे कॉम्प्लेक्सेस मेंशन किए जाते हैं उनको मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो दो सेंट्रोमियर्स के तौर पे ये चीजें चल रही थी। अब देखिए जरा सा कि सेंट्रोमियर के बाद ये है लॉन्ग आर्म जिसको हम क्यू आर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू आर्म जो होते हैं वो लॉन्ग आर्म के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लॉन्ग आर्म वो होते हैं जो क्रोमेटिड का बड़ा वाला हिस्सा होता है, तो वो लॉन्ग आर्म के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मेंशन करें तो फिर क्यू आर्म के बाद देयर इज लाइक पी आर। अब इस पी आर्म को आप देखेंगे तो पी आर्म छोटा वाला आर्म है सेंट्रोमियर से, जिसको हम स्मॉल आर्म के तौर पे। इसका बेसिक फुल फॉर्म जो होता है, पी का मतलब होता है पिटाइट, पिटाइट का मतलब होता है स्मॉल, एंड क्यू का मतलब होता है क्यू। ज्यादातर क्यू जो होता है वो लंबी लाइन, जैसे लाइन होती है उसको क्यू बोलते हैं, तो क्यू इज अ लॉन्गर वन, लंबी होती है इसलिए हम इसको क्यू बोलते हैं, और पी को रिप्रेजेंट करते हैं पिटाइट के तौर पे। तो ये जो है बेसिक डिफरेंसेस के तौर पे पी और क्यू आर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पी आर्म के बाद देयर इज लाइक ये पूरा का पूरा क्रोमोजोम अगर आप देखेंगे तो पी आर्म के बाद ये जो पूरा का पूरा देख पा रहे हैं पोर्शन, इसमें क्या हो रखा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम स्कैफोल्ड मॉडल बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। जो क्रोमोजोम के हिस्से को अगर देख रहे हैं तो स्कैफोल्ड में मल्टीपल फाइबर्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, स्कैफोल्ड। और हर एक स्कैफोल्ड को बनाने के लिए क्रोमोजोम फाइबर्स इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोजोम्स फाइबर ही क्या कहलाते हैं, बेसिक तौर पे क्रोमेटीन के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। जो क्रोमोजोम फाइबर्स ही होते हैं जो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली इस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है क्रोमेटीन। वो उतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होता जितना हम देख रहे होते हैं, जैसे क्रोमोजोम में वो सिर्फ मेटाफेजिक पार्ट है, ये जो पार्ट है ये जनरल पार्ट है। इसके बाद क्रोमेजिम, ये जो क्रोमेटीन फाइबर्स या क्रोमोजोम फाइबर्स होते हैं, ये फर्दर क्या किससे बने होते हैं, बेसिक तौर पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल्स, ये सॉलिनॉइड मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉलिनॉइड मॉडल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है अगर हम देखें, ठीक है। ये जो हिस्सा है दैट दिस वन सोलिनॉइड मॉडल, एंड दिस वन इज अ न्यूक्लियोसोम मॉडल जिसको कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। तो जो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है, डीएनए सबसे पहले बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल पे जाता है, और बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल में जो है ये देखिए न्यूक्लियोसोम्स का ऑक्टामर है, ये बेसिक तौर पे क्या है कि ये न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम्स एक तरीके से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसमें जो है कुछ कोर हिस्टोन्स होते हैं और कुछ जो है वो लिंकर हिस्टोन्स के तौर पे जाने जाते हैं। ये कोर हिस्टोन्स एक ऑक्टामर के तौर पे प्रेजेंटेड होते हैं, और ऑक्टामर के तौर पे जब प्रेजेंटेड है तो कहीं ना कहीं जो है
वहीं पे आपके एस टू एस टू बी एस थ्री एच फोर जो होते हैं डीएनए रैप्ड है। यहाँ पे जो डीएनए रैप्ड होता है 1.65 टर्न रैप्ड होता है, और इसके बाद जो है फिर ये सॉलिनॉइड मॉडल में जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो है डीएनए एक्चुअली में रैप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी आप मेंशन करके देख सकते हैं, चार ऊपर की तरफ चार नीचे की तरफ ऑक्टामर्स, और ये जो हिस्टोन आप देख रहे हैं ये है आपका H1 लिंकर हिस्टोन्स, जहां पे डीएनए एंट्री कर रहा है और जहां पे डीएनए एग्जिट कर रहा है। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट में डीएनए एंट्री जहां से कर रहा है वहां पे लिंकर है, और जहां से एग्जिट कर रहा है 1.6 से वहां पे जो है लिंकर है। तो ये सारे जो मेंशन किए जा रहे हैं ये लिंकर हिस्टोन्स लिंकर हिस्टोन्स लिंकर, ये सारे जो है वो कोर हिस्टोन्स के पार्ट है जो ऑक्टामर बना रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं फिलहाल के तौर पे एक और डायग्राम के साथ, लेकिन चलने से पहले बेसिक जरा समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने क्या मेंशन किया आपको अभी तक पिछले क्लास में या पिछले स्लाइड में, कि आपके पास जो डीएनए है, डीएनए बेसिक तौर पे जो है उसका डायामीटर 20 नैनोमीटर्स होते हैं। डीएनए का ये जो डायामीटर्स आप देख रहे हैं ये है 20 नैनोमीटर्स के, ठीक है ना, 20 नैनोमीटर्स। अब डीएनए रैप्ड होते हैं न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के तौर पे। अब देखिए ये डीएनए रैप हो रहा है न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के तौर पे। अभी हम इसमें बताएंगे न्यूक्लियोसोम के तौर पे कि कुछ लिंकर हिस्टोन्स होते हैं कुछ कोर हिस्टोन्स होते हैं, बेसिक तौर पे ये न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम के अराउंड जब रैप होगा तो इस मॉडल को हम बोलते हैं दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के तौर पे, यानी कि जो बीड्स होते हैं उनमें एक स्ट्रिंग लपेटा गया है। इसका जो डायमीटर हो जाता है लगभग 20 नैनोमीटर में बोल रहा हूं, ये 2 नैनोमीटर्स होते हैं, 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं डीएनए का डायमीटर, ये 2 नैनोमीटर होता है या 20 एंगस्ट्रॉन होता है, 20 नैनोमीटर नहीं होता, 2 नैनोमीटर होता है। 2 नैनोमीटर से बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब इसका जो है ये 22 नैनोमीटर्स है, और इससे ये जो बीड्स है इसका जो विड्थ हो जाता है वो लगभग 11 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है, 11 नैनोमीटर्स। बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल में लगभग 1.65 टर्न जो है वो डीएनए लपेटा गया, मतलब एक टर्न पूरा डीएनए लपेटा जाता है और फिर जो है 6.65 टर्न लपेटा जाता है। फिर इसके बाद बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के बाद ये 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न जो होते हैं, ध्यान रहे कि 6 न्यूक्लियोसोम्स, अभी एक न्यूक्लियोसोम से डीएनए लगभग 1.65 टर्न जो है लपेटा रहता है, और लगभग लगभग 200 बेस पेयर जो है वो लपेटता है, 1.65 टर्न में 200 बेस पेयर डीएनए लपेट जाते हैं एक बार में। ऐसे ही 6 न्यूक्लियोसोम्स मिलते हैं, और वो 6 न्यूक्लियोसोम्स यहां पे मिलके बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट इज सॉलिनॉइड या जिगजैग मॉडल। जब 6 न्यूक्लियोसोम्स मिलते हैं तो वो सॉलिनॉइड, या एक इसका एक और मॉडल होता है जिसको बोलते हैं जिग जैग मॉडल, जिसका विड्थ बढ़ के 30 नैनोमीटर हो जाता है। 30 नैनोमीटर इसका जो है विड्थ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 30 नैनोमीटर। ये क्या है? यह है 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, और इस सॉलिनॉइड मॉडल या जिग जैग मॉडल बोला जाता है। अब ये सॉलिनॉइड मॉडल जो होता है, फिर इसी तरीके से कई सारे सॉलिनॉइड मॉडल जुड़ते हैं, मिनी सॉलिनॉइड मॉडल जुड़ने के बाद ये बना लेता है दिस वन सी, ये है आपके पास फाइबर मॉडल। फिर छह ने ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, फिर न्यू सॉलिनॉइड मॉडल के बाद अब बना लेगा फाइबर मॉडल। फाइबर मॉडल का जो विड्थ होता है वो बढ़ जाता है, वो लगभग लगभग ये 300 नैनोमीटर के आसपास हो जाते हैं, और फाइबर फिर जो है अपने आप को कई सारा मोल्ड करके क्या बना लेगा, स्कैफोल्ड। और ये स्कैफोल्ड मॉडल जो है फिर डेवलप करता है, और स्कैफोल्ड जो है इसका विड्थ लगभग लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास हो जाता है, और ये स्कैफोल्ड जो है फर्दर क्रोमोजोम बनाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये क्रोमोजोम का जो सॉलिड मॉडल है इसको हम बोलते हैं इसका विड्थ 1400 नैनोमीटर। सो ये फोल्डिंग का जो प्रोसेस है कुछ इस फॉर्म में हो रहा है कि सबसे पहले डीएनए, डीएनए का विड्थ 2 नैनोमीटर, डीएनए जो है न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर के अराउंड 1.6 टन यानी 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए जो है एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप हुआ, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल,
बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल 11 नैनोमीटर का डायमीटर। अब ऐसे ही 6 न्यूक्लियोसोम मिलने के बाद सोलिनॉइड और जिगजैग मॉडल 30 नैनोमीटर मॉडल, और फिर ये 30 नैनोमीटर मॉडल जो है फिर फाइबर बनाते हैं, उसको बोलते हैं फाइबर मॉडल। ये फाइबर स्कैफोल्ड के फॉर्म में जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड मॉडल, और फिर वो क्रोमोजोम बना लेते हैं। दिस इज अ कंप्लीट कॉम्पैक्शन प्रोसेस। ये 2.2 मीटर यानी 2.2 मीटर्स ऑफ द डीएनए या ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे क्रोमोजोम में पैक हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए न्यूक्लियोसोम्स एक इंपॉर्टेंट हिस्से के तौर पर जाने जाते हैं जिसमें हिस्टोन्स अवेलेबल होते हैं। ये बात समझ में आ रही? चलिए देखने की कोशिश करते हैं अगर समझ में आ रही है तो। इस स्ट्रक्चर को अगर आप विजुलाइज करेंगे तो जरा देखिए, ये है आपके पास डीएनए, ये डीएनए का सुगर फॉस्फेट बैकबोन। मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अब ये सुगर फॉस्फेट का बैकबोन जो है वो कहीं ना कहीं कहां जाएगा, वो अब जाएगा सोलिनॉइड, पहले बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल में। सो सुगर फॉस्फेट के बैकबोन देखेंगे तो ये अब जा रहा है बी, ये सोलिनॉइड मॉडल में जहां पे न्यूक्लियोसोम्स आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सी मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये जो है एक तरीके से ऑक्टामर्स के तौर पे जाने जाएंगे, एक H2A, H2B, H2A और H2B जो है दो डाइमर्स, टू डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, और H3H4 जो होते हैं वो टेट्रामर के फॉर्म में रहते हैं। H2A, H2B, H3H4, ये अब एक पूरा का पूरा ऑक्टामर बना। ये कौन से हिस्टोन्स है? कोर हिस्टोन्स। और ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है? ये है लिंकर हिस्टोन्स, दैट इज H1। देखिए H1 से जहां एंट्री कर रहा है रैपिंग, अगर आप देख पा रहे होंगे कि रैपिंग जो है वो उसी तरीके जहां से एंट्री हो रही है, जहां पे एग्जिट हो रही है, इस तरीके से कंडीशन चल रहा है। ठीक है, तो अब इस लिंकर हिस्टोन से जो है डीएनए हमारा रैप हुआ है 1.65 टर्न, एज यू कैन सी दैट। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1.65 टर्न के तौर पर जो है इस तरीके से, अब ये डीएनए लगभग लगभग 220 पेयर जो है यहाँ पे रैप अप हुआ है। लगभग लगभग कितना टर्न डीएनए इस पे रैप अप हुआ है? 1.65 टर्न। और कितना साइज होगा? लगभग लगभग 220 पेयर, 220 पेयर लिंकर और ये कंडीशंस मिला के। अब ये पर्टिकुलरली डीएनए जो है अगले ऐसे ही एक और न्यूक्लियोसोम के साथ रैप अप होगा। सो दिस पर्टिकुलरली, ठीक है ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं डीएनए जो होते हैं, अब डीएनए अगले न्यूक्लियोसोम के साथ जो है रैप अप होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे एक नया न्यूक्लियोसोम जैसे यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं, इसके साथ भी रैप अप, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम्स रैप अप होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियोसोम्स के साथ आपको रैप अप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपके साथ मेंशन किया जा रहा है। अब ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोसोम्स जुड़ेंगे और लगभग लगभग 6 न्यूक्लियोसोम्स जो है वो पर टर्न जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे आपको सोलिनॉइड। तो जरा देखिए, ये अगर मैं मेंशन करूं तो ये 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न जुड़ेंगे, और ये 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न जुड़ने के बाद एक सोलिनॉइड मॉडल बना रहे हैं या जिगजैग मॉडल बना रहे हैं। अब यहां पे जो है बेसिक तौर पे ये 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर सोलिनॉइड मॉडल, या फिर उसकी इसको हम जिगजैग मॉडल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों हो सकते हैं। सोलिनोइड में फर्क ये होता है सोलिनोइड और जिगजैग में, कि सोलिनोइड में जो है ये चीज ऐसे रैप अप होती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे, इसमें जो है इस तरीके से। जिगजैग में क्या होता है कि ये इंटर क्रॉस होता है, मतलब एक वीड से दूसरे में इंटर क्रॉस करके फिर ऐसे 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 चलता है, तो ये चीज चलता है जिगजैग में। तो यहाँ पे जो है वही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जरा देखिए। तो ये जो है आपके लिए क्या है, यहाँ पे सोलिनोइड मॉडल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एज यू कैन सी। ऐसे कई सारे देखिए 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं, देख काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये जो है आपका सोलिनॉइड मॉडल है, और इसी तरीके से सोलिनॉइड मॉडल धीरे धीरे फर्दर जो किसमें कन्वर्ट होगा? फाइबर मॉडल में। जरा मेंशन करने की कोशिश करेंगे हम, देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो ऐसी तरीके के फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होते 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 नाउ इट विल गो फॉर द फाइबर मॉडल। अब ये फाइबर मॉडल के लिए जाना जाएगा।
ठीक है, चलने की कोशिश करते हैं। होप कि आप लोगों को विजुलाइजेशन होगा किस तरीके से जो है अरेंज्ड है, किस तरीके से जो फॉर्म चल रहा है ये। अब इसके बाद अगर हम फर्दर इसको लेके चले तो ये जो है अब सॉलिनॉइड मॉडल से देखिए फाइबर मॉडल के तौर पे जा रहा है। अब ऐसे ही सॉलिनॉइड मॉडल मिलके एक्चुअली एक फाइबर बन रहा है, और ये फाइबर जो है इसका विड्थ बढ़ जाएगा, जो आप 30, ये 30 नैनोमीटर था, अब ये लगभग लगभग 300 नैनोमीटर का फाइबर है, ये विड्थ बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर से अगर आप देखिए विजुलाइज हो रहे, ये फाइबर्स अब क्या करेंगे, स्कैफोल्ड बनाएंगे। फाइबर जो आप देख पा रहे हैं, नाउ दे विल फॉर्म द स्कैफोल्ड हियर, सी दिस इज स्कैफोल्ड। अब ये क्या है, ये स्कैफोल्ड के तौर पे जो है फाइबर के बाद स्कैफोल्ड लगभग लगभग 700 नैनोमीटर के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्कैफोल्ड मॉडल जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद स्कैफोल्ड फर्दर अपने आप को फोल्ड करते हुए क्या करेगा, ये स्कैफोल्ड फर्दर अपने आप को फोल्ड कर रहा है यहाँ पे, और ये स्कैफोल्ड फोल्ड करते करते क्या बना लेगा, क्रोमोसोम्स। तो स्कैफोल्ड मॉडल फिर वो फोल्ड कर रहा है, और फोल्ड करने के बाद लगभग लगभग इसका डायमीटर आप देख रहे हैं 700 नैनोमीटर के साथ क्या हो जाएगा, दैट शुड बी क्रोमोसोम्स हियर, ये हो जाएगा विड्थ क्रोमोसोम के तौर पे। सो दैट इज क्रोमोसोम, ये कहानी तैयार हो गई 1400 नैनोमीटर। तो किस तरीके से डीएनए अपने आप को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आ रहा है, और किस तरीके से जो है वो कॉम्पैक्ट करके क्रोमोसोम के फॉर्म में डेवलप कर रहा है, ये आपको समझ में आया क्या? तो मैंने जो मेंशन किया था अभी कुछ देर पहले वही कहानी चल रही थी। ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, मतलब बेसिक तौर पे अगर हम समझे तो मैंने यही बोला था कि सबसे पहले जो है आपका डीएनए होगा, डीएनए के फॉर्म के बाद जो है देयर शुड बी बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल में न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड होगा। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल के बाद सॉलिनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल, सॉलिनॉइड और जिगजैग मॉडल होगा। सॉलिनॉइड जिगजैग के बाद देयर इज अ फाइबर मॉडल, फाइबर मॉडल के बाद स्कैफोल्ड मॉडल, एंड स्कैफोल्ड मॉडल के बाद जो है देयर इज अ क्रोमोसोम। ये केस आपके साथ चलेगा। डीएनए का विड्थ जैसे एक बार फिर से मैं बता दूं, 2 नैनोमीटर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग 11 नैनोमीटर, सोलिनॉइड मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर के तौर पे, फाइबर मॉडल लगभग 300 नैनोमीटर के आसपास विड्थ, स्कैफोल्ड 700 के आसपास विड्थ होता है, और क्रोमोसोम में 1400 नैनोमीटर के आसपास विड्थ होता है। एक डीएनए जो है लगभग लगभग अगर 200 बेस पेयर और 1.65 टर्न जो है न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप होता है तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न जब हो जाते हैं तो वो सोलिनॉइड, और ऐसे ही लगभग मेनी सोलिनॉइड्स मतलब लगभग 1000 सोलिनॉइड्स के आसपास जो है वो बनाते हैं फाइबर, और उसके बाद जो है फाइबर स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड से फिर क्रोमोसोम्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन, अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो कहीं ना कहीं क्रोमोजोम्स कुछ इस फॉर्म में होते हुए नजर आ रहे थे। तो जो मैंने मेंशन किया था कि किस क्यों जरूरी है क्रोमोजोम को कॉम्पैक्ट करना, उसके लिए जो है ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा था। बेसिक तौर पे वही चीज यहाँ पे भी मेंशन है, हेलिक्स 2 नैनोमीटर, फिर बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, फिर फाइबर मॉडल बेसिक तौर पे सोलिनॉइड और जिगजैग, फाइबर के बाद हम लूप, जिसको मैं फाइबर बोल रहा था वो एक्चुअली मैं लूप मॉडल, उसको करेक्ट करिएगा कि दैट शुड बी द लूप मॉडल। हम जो फाइबर, क्योंकि फाइबर मॉडल हम एक्चुअली सोलिनॉइड और जिगजैग फाइबर को ही बोलते हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर, ये फाइबर जो है वो आपका लूप मॉडल में जाता है, और लूप जो होते हैं वो स्कैफोल्ड बन में जाते हैं, और स्कैफोल्ड फिर क्रोमोजोम में जाता है। ये है फाइबर, जिसको मैं 30 नैनोमीटर फाइबर बोल रहा था वो एक्चुअली में लूप मॉडल होता है, और सोलिनॉइड और जिगजैग फाइबर मॉडल के तौर पे मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कह सकते हैं कि फिनोमिना की पैकेजिंग कुछ इस फॉर्म में हो जाती है। तो लूप मॉडल जो है वो मेंशन किया जाएगा, इस चीज को रेक्टिफाई कर लेना कि जो स्कैफोल्ड उससे पहले लूप बन रहा था, वो लूप जैसा दिख रहा था ऐसे ऐसे, है ना?
तो लूप जैसा बन रहा था, इसलिए हम उसको लूप मॉडल के तौर पे कंसीडर करेंगे। लूप मॉडल, फिर आपके पास स्कैफोल्ड मॉडल, फाइबर के बाद लूप, लूप के बाद स्कैफोल्ड बनता है। तो चलते हैं